रवि भाई साहब आप बहुत बढ़िया डांस कर रहे थे, बहुत ज्यादा फील लेकर डांस कर रहे थे, वो क्या था? सही में आप डांस कर रहे थे या कोई ओपन? आप बताइए, इकट्ठा नाचे थे कभी? और मैं हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ले रहे हो जिंदगी के नज़ारे। मैं आपका अपना गुरु हांडा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं भजन संध्या पर, जहाँ पर लेंगे कुछ भजनों का आनंद। साथ ही में हमने अपने रवि भैया के साथ कुछ कॉमेडी सीन्स किए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने इस भाई पर अपना प्यार बनाए रखें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, लेट्स गो। हम पहुंच चुके हैं गाइस सनशाइन पार्टी हॉल के बाहर। ये हम दोनों भाई अभी आए हैं थोड़ा सामान लेकर चौकी का पैलेस में छोड़ने, जहाँ पर चौकी का कार्यक्रम आरम्भ होगा। चलिए डेकोरेशन दिखाते हैं आपको यहाँ की। गर्मी बहुत हो रही है, पी लेंगे पानी। गर्मी में दो ही तो काम है, पानी पियो और फिर पानी निकालो। ना, डफो तो डफन दो। सही, वेंकी भी आपका कहना चाहेंगे, गर्मी में पानी की प्यास ज़्यादा लगती है कम लगती है? सारे बंदे पहुंच गए ने, पर आधी चांड है ते बंदा इतने गेमा खेली जाता है। ओ भाई, पर आधी चांड है आज। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारी अन्याय है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है बहुत। चौंकी चौंकी का प्रोग्राम रखे है, जाओ उत्थे भंगड़े पाओ। भंगड़े पाने के लिए उधर होना भी तो चाहिए। गेमा कानू खेली जाते? अरे डीजे फ्लोर लगा हुआ वहाँ पे, मैं देख के आया था। गाइस हम पहुंच चुके हैं रेडी शेडी होकर सनशाइन पार्टी हॉल में। ये देखिए रवि भैया हमारे भजनों का आनंद लेते हुए, आनंद में डांस करते हुए। जय श्री राधे, जय श्री राधेश्याम। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं घर पर और रेस्ट कर रहे हैं। हमारे रवि भाई साहब ने चौकी पर बहुत ज़बरदस्त डांस किया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सही में डांस कर रहे थे या कुछ और था वो। हाँ जी रवि भाई साहब आप बहुत बढ़िया डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फील लेकर डांस कर रहे थे, वो क्या था? सही में आप डांस कर रहे थे या कोई ऊपरी ऊपरी आ गई थी आपको? मतलब क्या? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था आपको वहाँ पे? आनंद आ रहा था, बहुत बढ़िया नाच रहे थे आप वहाँ पे। सही है, यूट्यूब में देखो, चेक करना। इतने फील लेके क्यों नाच रहे थे? देखो सर ये ना, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप बताइए इतनी फील लेके। मैं जाते में देखोगे अभी तो मैं दिखाऊंगा कहाँ। देखो मैंने तो देख लिया था तुम्हारा वहाँ, देख लिया था। तुम नाच रहे थे, मैं साक्षात देखा था तुम्हें।
ज्यादा ही फुर्ती से नाच रहे थे, म्यूजिक से भी तेज चल रहे थे। अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। कल आप डीजे पे तो ऐसे नाचे नहीं और भजनों पे नाच रहे थे, क्या चक्कर है? भजन का आनंद अलग है, डीजे में जब कल को आपकी शादी होगी, आपकी जनानी आएगी तो जनानी आएगी, वो भी नाचेगी। आप उसको भजनों में नचाओगे, डीजे पे नहीं नचाओगे? जिसमें नाचना चाहिए नाचे, मैं अपने नाचना हूँ और अरे आप अलग अलग क्यों नाचेंगे? आप इकट्ठा नाचेंगे ना, कपल डांस करेंगे। तू अपनी घरवाली का नाचा था, वो तेरी घरवाली माँ नाच रही होगी, तू यहाँ नाच रहा है। हम तो इकट्ठे नाचते हैं, कपल डांस करते हैं। आप नाच रहे, आप बताइए इकट्ठा नाच, ये नाचे थे इकट्ठे कभी? और मैं कहा देखा था, मैं नहीं होता। तू समोसा खाने गया था? समोसा का काम वही था, मैं भी नाच रहा था, समोसा का काम हुआ। ये अलग नादरी था, मैं कभी बाहर में पर दोनों नाच तो रहे थे ना। आप अब गानों पर नहीं नाचेंगे, आपकी बीवी गली नाच रही होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? है तो कुछ नहीं। और आप अकेले भजन अच्छा पर नाच रहे होगी, आपकी जनानी नहीं नाच रही होगी तो मन नहीं लगे। अच्छा ये बात, मैं रोटी खाऊंगा तो वो भी जरूर खाएगी, मन नहीं है रोटी खाने का ना। बोलना क्या बताओ, पिज्जा खा ले। अब मुझे केले खा रहे हैं, ये क्यों नहीं खा रही है बताओ? खिलो ठोसो। मैं केले खा रहा हूँ, केले लगे पीने की बात अलग होती है, परफॉर्मेंस जाकर एंजॉय करने की बात अलग होती है, वो भी ऐसी होती है मन। अच्छा एक बात बताइए, आप दारू बियर कुछ नहीं पीते हैं? अगर आपको ऐसी वाइफ मिल जाए जो बियर वगैरह पीती हो तो